गुड मॉर्निंग इज फाइन क्या आप लोग सुन पा रहे हो देख पा रहे हो यस नो लेट मी नो सो आप सब लोगों का अकेडमी के यूट्यूब चैनल में गायस बहुत बहुत स्वागत है अभी गायस एक सुबह सुबह एक दुख भरी खबर आई है भारतीय स्वर कोकिला लता जी का अभी स्वर्गवास हुआ है दुख की घड़ी है देश की म्यूजिक इंडस्ट्री की बहुत ही भारी नुकसान यही है समय के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा गाइस हम लोग इस एनुअल करेंट अफेयर सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेटोलॉजी बायोडास्ट्री जोग्राफी को तो हम डील कर रहे हैं सेल्फ अजीत तिवारी <coughs> having experienced more than 16 years and mentored more than 10 lakh students worked as a senior faculty in top institute of delhi my lectures are fused with the memory tricks you know that good morning achal nikita i used to interact a lot और आप जानते हो इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जितना आप इंटरेक्ट करते हो उतनी चीजों को आप सीखते हो गाइस है ना सो ऑलवेज वी आर रेडी टू इंटरेक्ट गाइज टूडे इज लेक्चर सेवन ऑफ एनुअल करंट अफेयर्स हम लोग स्टेप बाई स्टेप चीजों को कवर करेंगे फ्रेंड्स इसी चैनल पे रोज नौ बजे नाइन पी एम मैं कंप्लीट एनवायरमेंट ऑफ शंकर आई लेकर आया हूं गुड मॉर्निंग लक्ष्मी अगर आप चाहते हो कि आपकी एनवायरमेंट इकोलॉजी जोग्राफी स्ट्रांग हो देन यू आर हैविंग अ ग्रेट ऑप्शन क्या आप इसी चैनल पे अनअकेडमी यूपीएससी आर्टिकुलेट पे 9 पी पे मेरे सेशंस को जरूर देखें यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट लाइन बाय लाइन इन बिटवीन लाइंस विद ग्रेट डिटेल विथ ऑसम कंसेप्ट ऑसम एनिमेशंस लिंकिंग ऑफ कंसेप्ट के साथ हम सीरीज को कर रहे हैं माय फ्रेंड्स होप आपने मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर लिया होगा अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट द अगर आपके पास प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है गाइस राइट नो अन अकेडमी का <coughs> कॉम्बो वीक हम मना रहे हैं इस कॉम्बो वीक में आपके पास मैसिव डिस्काउंट के ऑफर्स हैं प्लस आइकॉनिक पे मेरे कंप्लीट कोर्स ऑन जोग्राफी ऑप्शन जीएस जोग्राफी फिजिकल इंडियन वर्ल्ड एनवायरमेंट ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं गुड मॉर्निंग सुनीता मेरे फ्रेंड्स हम लोग एनवायरनमेंट और जोग्राफी के करेंट टॉपिक्स डील कर रहे हैं नाउ इट इज मोर फोकस ऑफ यू पी एस सी इज ऑन बायोडाटी एनवायरमेंट इस ज्यादा फोकस है हम भी उसी ट्रेंड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ऑलवेज़ जब आप कोर पार्ट के साथ स्टैटिक पार्ट के साथ करंट अफेयर्स को लिंक करते हो दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेटजी फॉर योर प्रिपरेशन वही हम लोग कर रहे हैं Guys, वही हम लोग कर रहे हैं है ना कि एक तरफ हम लोग स्टैटिक पार्ट कोर पार्ट को इस चैनल पे रोज 9 पीएम कर रहे हैं आपने देखा राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो आज खत्म हो जाएगा हमने एकदम डिटेल में किया है और योर वन स्टॉप सोल्यूशन अन का सब्सक्रिप्शन आपके लिए गाइज अवेलेबल है क्या करना है आपको कोड यूज करना है अजीत लाइव माइडर फ्रेंड्स मैंने फ्री लाइव सेशंस में दो सीरीज दो सेशन चार फेब को और पांच फेब को एम से यूज कर लिया है ठीक यूज कोड अजीत लाइव टू तो अनलॉक देम आइए इस बात को और आगे बढ़ाएं मैं इसी कॉम्बो ऑफर की बात कर रहा था ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट विद द कॉम्बो चाहे आपका कॉम्बो ये प्लस का हो चाहे आइकॉनिक का हो टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट विथ एजुकेटर कोड है ना तो so आप देख रहे हो कि मैसिव डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है फ्रेंड्स हर संडे को आप कॉम्बैट दे सकते हो ठीक तो आपको अच्छे क्वेश्चन रिगार्डिंग योर ऑप्शनल अगर हम आइकॉनिक की बात करें तो पर्सनल लाइव से मिल जाती है मेन्स क्वेश्चन आंसर राइटिंग स्टडी प्लानर ओपन हाउस विथ एजुकेटर्स ये सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है Guys, अगर आप चाहते हो कि आप वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाह रहे हो ठीक तो आपके पास नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शंस हैं और फिर आपके पास आपके पास लोनिंग फैसिलिटी भी है जीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट नो प्रोसेसिंग चार्जेस है ना अप्रूवल इन टू आवर्स मिनिमल पेपर वर्क फ्लेक्सिबल थे अगर टीम आपको कॉल कर रही है राम तो आप उन्हें बता दोगे यू आर गोइंग टू यूज कोड अजीत लाइव दैट इज योर कोड ऑफ सक्सेस क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो यस नो सो फ्रेंड्स न्यू बैच आर कमिंग हम न्यू बैच के मैंने बार बार आपसे समझाया कि हम न्यू बैच का वेट नहीं करेंगे हम अजीत लाइव कोड यूज करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे प्रोसीड टू पे चाहे वो कॉम्बो हो चाहे वो प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो चाहे सिर्फ ऑप्शनल हो हमने आपसे बताया कि कैसे हम लोग मंथवाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं है न <coughs> एक एक टॉपिक्स हम लोग गाइस डील करने वाले हैं ठीक देखो आप हम लोग ऐसे स्टेप बाई स्टेप मूव करने वाले हैं मैं अभी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्वेश्चन <coughs> इज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सिक्सटी सिक्स मिलियन ओल्ड याद करिए ओल्ड डायनोसोर का एम्ब्रियो हिंदी में भ्रूण कहा मिला तो आपने बताया कि भाई ये एम्ब्रियो ये भ्रूण फाउंड इन सदर्न चाइना घॉजू आइए जरा एक बार उस पर फोकस करते हैं सिक्स मिलियन ओल्ड मिलियन ईयर ओल्ड डायनासोर एम्ब्रियो फाउंड इन चाइना क्वेश्चन इज ये एम्ब्रियो टूथलेस थीरोपॉड ओवीरेप्टोसोर ये ओवीरेप्टोसोरस क्या है बात करेंगे इसकी डिस्कवरी एक ग्रेट अंडरस्टैंडिंग देगी to study the link between modern birds and dinosaurs. आइए जरा इस बात को देखते हैं Have a look here. ये इमेज आपको दिख रहा है देख डायनासोर एम्ब्रियो डिस्कवर्ड इन घांजू इन सदर्न चाइना चाइना के मैप में आप इसे ढूंढने का प्रयास करना ठीक हैंडो बैरो हावर यू बेटा <coughs> एम्ब्रू इज फाउंड इन चाइना एम्ब्रू इज बिलीव टू बी टूथलेस थोपो डायनासोर और ओवीरेप्टोसोर बात करेंगे इट हैज बीन नेम्ड बेबी इंग्लियांग अब यहां से पूछ देंगे। रिसेंटली बेबी इंग्लियांग वॉज इन न्यूज इट इज ये क्या है बता दोगे कि बेबी इंग्लियांग एक टूथलेस थीरोपॉड डायनासोर का एम्ब्रियो है एम्ब्रियो की डिस्कवरी हैज प्रोवाइड रिसर्चर्स अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिंक बिटवीन डायनासोर एंड मॉडर्न बर्ड्स बर्ड्स ऑब्वियस है ठीक आइए इस बात को और देखते हैं द फॉसिल प्रोवाइड्स ठीक द फॉसिल प्रोवाइड्स दैट एम्ब्रियो वाज इन ए कर्ल पोजिशन कॉल एज टकिंग ये बिहेवियर पक्षियों में देखा गया है शॉर्टली बिफोर दे हैच दिस टकिंग बिहेवियर इन मॉडर्न बर्ड्स हैव बीन इवॉल्व एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम डायनोसॉर्स डायनोसोर्स ठीक अब आप देख रहे हो एक ब्रांच ऑफ साइंस जिसे आप बोलते हो इथोलॉजी है ना बेटा ये क्या चल रहा है बैरो आप करंट अफेयर ही पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो इस सीरीज को फॉलो करें आप ठीक ओविरेप्टोसॉर्स मींस एग लिजार्ड दे देर फीदर्ड डायनासोर्स ट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका कब ड्यूरिंग लेट क्रिटेशियस सम अराउंड मिलियन क्रिटेशन ईयर एगोर डिस्टिंग शॉर्ट पैरट लाइक स्कल्स क्या नाम दिया ओवी रेप्टोसॉर्स वॉट मीन एग थिफ ले जार्थ. अगर बेबी इंग्लियांग की बात करें तो लगभग ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर था साइज जरा देखना जरा ंगलियांगे आपको दिख रहा है बेबी इंग्लिया मेजर्स अराउंड ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर फ्रॉम हेड टू टेल फ्रॉम हेड टू टेल ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर इट इज अरेस्टिंग इन साइड टू सिक्स पॉइंट सेवन इंच लॉन्ग एग एट इंग्लियांगी म्यूजियम इन चाइनाउजेंड And put into storage for years. ये बात हम लोग गायस देख पा रहे हैं है याद रखेंगे बेबी इंग्लिया क्या है डायनोसोर क्लेडाइज बाई हॉलो बोन एज वेल एज थ्री टोड लिम्स कुछ इमेजेस आपको दिख रही है एक मूवी आई थी जोरासिक पार्क बड़ी पॉपुलर हुई थी

इतना काफी है है ना गाइस आगे बढ़े गाइज एक प्रोजेक्ट के बारे में आपने नाम सुना होगा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रीहैब। हैब इट इज अबाउट वॉट प्रोजेक्ट रीहैब, इसका संबंध किनसे है एनीगेस एनीगेस please do write in comment segment achal lakshmi hendo ram theek ye the reducing reducing elephant attack using Bees oh my god bilkul see reducing elephant attack using bees Acha. guys in which state it was recently launched a kerala kerala mein, B be asame वेस्ट बेंगाल में डी धन बिल्कुल अचल वेयर इट वॉज लॉन्स्ड ऑलवेज हम चाहते हैं कि एनिमल के साथ कंफ्लिक्ट रिड्यूस रहे मिनिमाइज रहे आइए इस पे फोकस करते हैं गाइस व्हाट इज प्रोजेक्ट रीहेब हाउ डज इट वर्क मेंटिंग एजेंसी वॉट इज द कनेक्शन बिटवीन नेशनल हनी मिशन वेयर वॉन्स्ड वॉट इज द नीड फॉर प्रोजेक्ट है ना तो ये सारी बातें बेटा ऑलरेडी हैंडो हैंडो फॉलो मी माई टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में सीरीज स्टार्टेड है बेटा प्रोजेक्ट रिहैब इज रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज लॉन्च्ड इन असम ये जो हाथी का दांत आपको दिख रहा है इट इज मॉडिफाइड इंसिजर लगता है केनाइन है होता इंसिजर है मॉडिफाइड इंसिजर

फार्मर्स की इनकम बढ़ जा रही है कॉस्ट इफेक्टिव है है ना और आल्सो हेल्प टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इशू बाय रीजनरेटिंग फॉरेस्ट कवर क्यों भाई क्योंकि बीज़ क्या करेंगी ये पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगी दे विल प्रमोट पोलिनेशन कीवर्ड्स प्रोजेक्ट रिहैब किसके रिगार्डिंग है आप बी फेंसिस क्रिएट कर रहे हो है ना

पार्क वगैरह में इवनिंग <coughs> टाइम में आप बैठे हो अब मक, मच्छर वगैरह आपके कान के पास भिन्न भिना रही है आवाज आ रही है बिल्कुल हाईली इरिटेटिंग साउंड सो द बर्ड ऑफ बीज इरिटेट द एलिफेंट्स द मोस्ट दे फियर दैट हनी बीज माइट स्टिंग देम इन द देयर ट्रंक एंड आईज अर फॉर द डू नॉट वॉक अ हेड ऑफ द बॉक्सेस ठीक सोचो आप अब ये जो बॉक्सेस होंगी आपस में कनेक्टेड होंगी विथ ए स्ट्रिंग ठीक वेन एलिफेंट ट्राई टू पास थ्रू द स्ट्रिंग अ पुल और टकॉज द बी टू स्वर्म टुवार्ड द एलिफेंट ये लो आप है नंबर जे की बात है न इन इनोवेटिव कंसेप्ट ठीक

टू प्लान प्रमोट ऑर्गेनाइज इंप्लीमेंट प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया गाइज याद रहेगा अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज नेशनल हनी मिशन प्रोजेक्ट रिहेब इज अ सब मिशन ऑफ नेशनल हनी मिशन यहां से भी पॉइंट बनेंगे

फर्स्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज रिस इट वॉज लॉन्स्ड इन असम बटली मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन तो आपको लैंग्वेज पे फोकस करना है द प्रोजेक्ट वॉज फर्स्ट लॉन्च इन कर्नाटका आफ्टर इट्स ह्यूज सक्सेस इट वॉज टू बी इट इज टू बी लॉन्च इन वेस्ट बेंगल उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ तमिलनाडु एंड केरला. रिसेंटली इन असम इट इज लॉन्च लॉन्च हुआ फोर हंड्रेड थ्री ऑफ एनिमल एलिफेंट इन बिटवीन एलिफेंट एंड ह्यूमन याद आ रहा है Guys, animal, elephant, कल मैंने आपसे बताया था कि चार सौ तीन हाथियों की डेथ हुई टू थाउजेंड फोर्टीन से टू थाउजेंड नाइनटीन के बीच में कल हमने डिस्कस किया था याद आ रहा है ठीक लुक हेयर गाइज बिटवीन 2014 to 19 टू नाइनटीन अराउंड 403 हंड्रेड थ्री डेथ आकर ड्यू टू एलिफेंट ह्यूमन कंफ्लिक्ट ठीक सोचिए आप लगभग 500 सौ डेथ पिछले पांच वर्ष में हाथियों की हुई है मतलब हमें इन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ये देखो आप। 100 human lives were lost in jumbo attack पिछले एक साल में माय गॉड सोचिए आप जाहिर सी बात है हमें इन्हें बचाने की जरूरत है क्लियर एयर पोल्यूशन एक गंभीर समस्या है आइए जरा हम इसके रिगार्डिंग ग्रीन एक्शन फोर्स के रिगार्डिंग एक क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग टॉक्सिक फॉर्म इन यमुना के रिगार्डिंग और ला नीना वेदर इवेंट के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्लोबल मिथेन प्लेज क्या है सीओपी ट्वेंटी सिक्स में इंडिया के टारगेट्स क्या है ठीक एनुअल बर्ड ऑफ सीओपी ट्वेंटी सेवन कौन होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल ओशन मैनिफेस्टो आप देख रहे हो आखिर सेंटर क्या क्या, क्या अभी रिसेंट में मेजर्स प्रपोज किया है टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन स्वच्छ सर्वेक्षण ट्वेंटी का अवॉर्ड किसको क्लीन यमुना डेली कब तक करने वाली है सार्क हॉर्सेस हॉर्सेसम्स रिवर में मिली इसका क्या उद्देश्य है क्या इसका इम्प्लीकेशन है कैसर ए हिंद ये क्या है अमेजन की डिफोरेस्टेशन पिछले पंद्रह साल में हाईएस्ट है इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है गाइस वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट इन ग्रेट डिटेल बिफोर कमिंग ऑन दैट बिफोर कमिंग ऑन दैट आइए जरा मैं आपसे बात करूं आई क्यू एयर पोल्यूशन अभी हमने हाल ही में टू डेज बैक इसी चैनल पे 9 पी एम लाइव सेशन आजकल चल रहा है आज भी आल्सो आज भी 9 पी एम पे लाइव सेशन है आज हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन ऑनवर्स कंप्लीट करेंगे आज हम लोग पोल्यूशन कंप्लीट करेंगे ठीक आई एयर पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी ट्रैकर हमने वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ एजार्ड ऑब्जर्व किया ठीक है मिलियन प्री मेच्योर डेथ पर एनम कॉज कर रही है माई गॉड मैसिव डेथ ऑफ चिल्ड्रज अलेंटर किलर ये एक साइलेंट किलर है ठीक इसमें हम सारे पॉइंट्स की बात करेंगे ठीक चाहे वो पीएम टू पॉइंट फाइव हो चाहे पी एम टेन हो चाहे वो ओजोन हो सल्फर डाइऑक्साइड हो आइए जरा एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं सो नाइंटी फोर आउट ऑफ हंड्रेड मोस्ट पॉलर सिटीज इंडिया चाइना और पाकिस्तान कितनी बुरे हालात हैं? सोचिए गाइज सौ का 94 फोर इन तीन देशों में है हाउ एयर क्वालिटी इज डिटर्माइंड क्या क्या इसमें मॉनिटर करते हो इन सारी बातों पे एक एक करके हम बात करेंगे ठीक गाइज अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी ट्रैकर आई क्यू एयर एयर पॉल्यूशन कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ हैज पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड अराउंड सेवन मिलियन प्री मैच्योर डेथ पर एनएम सोचिए आप तभी तो सेवन मिलियन डेथ का होना ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ बोथ आउटडोर एंड हाउस होल्ड इनडोर एयर पॉल्यूशन इसके कारण ब्रेन स्ट्रोक हार्ट डिजीज लंग्स कैंसर एस्थमा ये सब बहुत ही ज्यादा हो चुकी है इंडिया में लगभग टू मिलियन इंडिया में प्री मेच्योर डेथ इन इंडिया माई गॉड It is estimated to cost global economy two point nine trillion dollars each year because of fossil fuel emission alone. So range of severe environmental pollution problems. How air quality is determined. Up the whole level of PM 2.5 particulate matter, PM ten, Ozone. सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जरा एक एक तुलना देखो आप पिछले कुछ वर्षों में पीएम 2.5, पीएम 10 और ओजोन काफी बढ़ा है ठीक पीएम 2.5 पार्टिकल मैटर एक बड़ी समस्या बन के निकल के आई है, है ना? आई क्यू ए डाटा में इंडिया हैज फोर्टी सिक्स ऑफ द वर्ल्ड हंड्रेड मोस्ट पॉलिटेड सिटीज दो हजार बीस में माई गॉड फोर्टी सिक्स इंडिया के पास फोर्टी टू चाइना के पास सिक्स पाकिस्तान के पास फोर बांग्लादेश के पास एक इंडोनेशिया के पास एक थाईलैंड के पास See? क्या बुरे हालात है ना माई गॉड इंडिया so, चाइना ये दो ही अकेले 88 एट पॉल्यूटेड सिटीज को आउट ऑफ हंड्रेड होल्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई कंसर्ट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ऑल सिटीज हैज पी एम टू पॉइंट फाइव एयर क्वालिटी रेटिंग ऑफ मोर देन फिफ्टी इंडिया अकाउंट फॉर नाइन ऑफ द टॉप टेन मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज वर्ल्ड वाइड है न दुखद न्यूज

एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स अब इसकी भी एक बड़ी मार्केट बन जाएगी डेवलपिंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इट ऑल्सो ऑपरेट्स एयर विजुअल्स विच इज अ रियल टाइम एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फाउंडेड इन नाइनटीन सिक्सटी बाई मैनफ्रेड एंड क्लास हेम्स सोचिए आप 1963 में ही इन्होंने इस तरह के चीजों पर काम करना स्टार्ट कर दिया याद रहेगा गाइस गाइस एल नीनो ला नीना कैलविन वेव्स इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव डायपोल नेगेटिव डायपोल इस तरह के टॉपिक्स मैंने अपनी फ्री लाइव क्लासेस में कराई हैं आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट द अजीत लाइव या यूपीएससी सीएस जीएस में सर्च करोगे अजीत तिवारी मेरे प्रोफाइल पे फ्री लाइव सेशन पे आप जाओगे आपको बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की फ्री क्लासेस भी आपको मिलेंगी अजीत लाइव कोड यूज करके आप इन क्लासेस को देखोगे ठीक मैं आपसे बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर्स नीना वेदर इवेंट ठीक आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये देखो आप ये पूरी मैकेनिज्म मैंने समझाई है यहां मैं ज्यादा फोकस करंट पे करूंगा वेदर ब्यूरो ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया कि, कि लानीना वेदर फिनम डेवलप्ड इन पैसिफिक ओशन फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर ध्यान सुनना गाइस तो इससे क्या होगा इट विल कॉज डेवलपमेंट ऑफ दिस विल कॉज एबव एवरेज रेनफॉल अक्रॉस सेंट्रल नॉर्थ एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ये वीट की प्रोडक्शन बढ़ा देगी भाई ऑस्ट्रेलिया का टू थर्ड पार्ट इन द वेस्ट इज ऑलमोस्ट डेजर्ट इन सेप्टेंबर 2021 इंडिया हैड इंक्रीज इट्स वीट फॉरकास्ट बाय 17 परसेंट वाई बिकॉज ऑफ फेवरेबल वेदर तो वेदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फार्मर्स के लिए क्योंकि तो हमारे पास मॉनसून रेनफॉल है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस है दिस ईयर क्लाइमेटिक मॉडल सजेस्ट ला पैटर्न विल बी शॉर्टेस्ट एंड विल बी इफेक्टिव अंटिल लेट सदर्न हेमिस्फीयर और अर्ली ऑटम 2022 आखिर ये क्या है एक बहुत ब्रीफ में डिटेल मैंने क्लास लिया हुआ है एलिनो लिनो और लानीना पे ठीक आप नॉर्मली क्या हो रहा है नॉर्मली गाइस इक्वेटर विंड मूव वार्म वाटर वेस्ट ये आपका पेरू कोल्ड करंट साउथ इक्वेटर करंट मैंने बहुत डिटेल में ओशनियोग्राफी में पढ़ाया हुआ है ठीक लानीना इज एन ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक फिनमन विच इज ए कोल्डर काउंटर पार्ट ऑफ एलिनो इट इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनसो नीनो सदन ऑसिलेशन क्लाइमेट पैटर्न अब करंट वाली क्लास में इतना बताना पॉसिबल नहीं है मैकेजम को ऑलरेडी वो मैंने कवर किया हुआ है नेम ऑफ लानीना ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्पेनिस गर्ड दर्डमन ऑफ लानीना इज मोर एंड मोर एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन आजकल टेम्परेचर राइज से फ्रीक्वेंसी बढ़ी है ग्रेटर रेनफॉल कूलर देन एवरेज टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, दिस लास्ट अबाउट लानिना में क्या होगा सी सरफेस टेम्परेचर अक्रॉस इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ सेंट्रल पैसिफिक ओशन बिकम्स लोअर देन नॉर्मल बाई थ्री टू फाइव डिग्री सेल्सियस ये यहां पे होगा इसका इफेक्ट क्या होगा ये देखिए जरा एक्सटेंसिव इफेक्ट ऑन वेदर वर्ल्ड वाइड स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका आल्सो इंपैक्ट्स एटलांटिक एंड पैसिफिक हरिकेन सीजन इन विच नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंक्रीजेस इन एटलांटिक बेसिन बिकॉज ऑफ लो विंडशियर एंड वार्मर सी सर्फेस टेम्परेचर इट ऑल्सो रिड्यूसेस ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस इन पैसिफिक ओशन कि पूरी मैकेनिज्म वगैरह को हमने ऑप्शन में बहुत डिटेल में पढ़ा है बट अब करंट में अगर मैं नीनो ला पढ़ाऊंगा तो हम लोग करंट नहीं कर पाएंगे मैंने आपसे बताया कि मैंने पूरी क्लासेस में इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव नेगेटिव कैलविन वेव सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है ठीक अमेजन का डिफोरेस्टेशन जिसे आप बोलते हो लंग्स ऑफ अर्थ हमने अर्थ के लंग्स का मैसिव किया है डैमेज यहां बात अमेजन रेन फॉरेस्ट की हो रही है लास्ट फिफ्टीन इयर्स का मैक्सिमम पीक हाई रेट ऑफ फॉरेस्टेशन आप जरा कमेंट में मुझे थ्री मेन कॉजेस बताएं वन टू एंड थ्री

सो एज पर ऑफिशियल डाटा पब्लिस्ड बाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ये बता रही है कि ब्राजील का हाइएस्ट रेट ऑफ डिफॉर चल रहा है चंप ऑफ ट्वेंटी टू परसेंट ओ माई गॉड एज कंपेयर टू ट्वेंटी ट्वेंटी क्यों भाई इतनी हाइएस्ट सिंस टू थाउजेंड सिक्स स्क्रीन पे आपको डेंस फॉरेस्ट का बिल्कुल सुनीता फॉरेस्ट फायर भी एक कंसर्न है दिस रिजन इंक्लूड्स टेरिटरीज़ ऑफ नाइन नेशंस परसेंट मेजोरिटी लाइज इन ब्राजील देन पेरू एंड कोलंबिया ठीक भाई ओवर एक्सप्लोटेशन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन बोलिविया में गुआना में इक्वाडोर में सुरिनाम में फ्रेंच गुआना में वेनेजुएला में लेकिन सिक्सटी परसेंट ब्राजील के पास है लार्जेस्ट मोस्ट बायोडाइवर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हाई वैल्यू ऑफ ट्रीज स्पीसीज ट्रीज की स्पीसीज रिचनेस हाई है लार्जेस्ट एंड मोस्ट बायोडाइवर्स ट्रैक ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहां पर वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है ट्रीज आर फॉर्मिंग द थ्री टीयर्स थ्री लेयर्स ठीक ह्यूमन सेटलमेंट और डिमांड ऑफ लैंड टिम्बर के साथ देखो आप लस ग्रीन फॉरेस्ट को आपने कैसा बना दिया है फॉरेस्ट फायर एक मेजर कंसर्न है फॉरेस्ट फायर भाई 19 में देखा गया कि बहुत सारे के केसेस आए है ना फायर कैन बी नेचुरल कैन बी मैन मेड फॉरेस्ट का फायर लैंड यूज चेंज है ना ह्यूमन सेटलमेंट्स ओवर एक्सप्लोटेशन डिमांड ऑफ टिम्बर ये सब इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं इन 2019 थाउजेंड नाइनटीन अलॉन्ग माई गॉड सेवेंटी टू एट फोर्टी थ्री फायर्स इन ब्राजील अमेजन मोर देन हाफ ऑफ द फायर्स डिफॉरस्टेशन इन ब्राजीलियन अमेजन इंक्रीज मोर देन एटी एट परसेंट एज कंपेयर टू टू देख रहे अगर इस कदर हम लंग्स को डैमेज करेंगे बट ऑबियस है क्या होगी बट गाइस हम लोग अपने नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 ट्वेंटी चर्चा में है क्वेश्चन इज आखिर यह अवार्ड इंडिया के क्लीनेस्ट सिटी को मिला प्लीज राइट द नेम ऑफ क्लीनेस्ट सिटी गार्बेज फ्री एंड क्लीन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 स्वच्छ सर्वेक्षण महोत्सव कौन सी मिनिस्ट्री मनाती है ये इवेंट कहां पे हुआ एवार्ड किसने दिया है ना सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के बारे में आप क्या जानते हो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लीजनेस सर्वे ये देखिए आप हैव लुक हेयर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ऑनर किया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 कैपिटल में विज्ञान भवन में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गार्बेज फ्री एंड क्लीन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग स्वच्छ अमृत महोत्सव विज्ञान भवन नेशनल कैपिटल ट्रिब्यूट टू से वर्कर्स बाय मींस ऑफ री ऑर्गेनाइजिंग टॉप परफॉर्मिंग सिटीज अंडर सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज बिल्कुल ठीक ये देखो आप सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज एक इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री टू प्रमोट मैके

अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री सिक्स स्टेट एंड सिक्स इम्प्रूवमेंट दोनों ने इम्प्रूवमेंट शो किया है सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गारेवन हंड्रेड एडिशन सिटीज में स्टार्ट हो चुकी हैं। एटीन हंड्रेड अरबन लोकल बॉडीज ने अपने वेलफेयर बेनिफिट्स को सेंट्रेशन वर्कर्स तक पहुंचाया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने काफी इंप्रूवमेंट करी है इन दिटीजन फीडबैक ओके okay तो आज संडे है आज थोड़ा मैं जल्दी आपको फ्री कर रहा हूं बट फ्रेंड्स अन वी आर सेलिब्रेटिंग कॉम्बो वीक जिसमें आपको कॉम्बो ऑफर प्लस या आइकॉनिक में 22 परसेंट प्लस 10 परसेंट का डिस्काउंट डोंट फॉरगेट टू यूज कोड अजीत लाइव गाइस सी यू एट 9 पीएम 9 पी आपसे मुलाकात शंकर आई के सीरीज में होगी जहां हम लोग कंप्लीट एनवायरमेंट कर रहे हैं कंप्लीट एनवायरमेंट कर रहे हैं इन ग्रेट डिटेल ऑन द सेम यूट्यूब चैनल अन अकेडमी अन अकेडमी यूपीएससी आर्टिकुलेट अपना बहुत ख्याल रखें टेक केयर गाइज गाइस ऑलवेज हार्डवर्क करते रहेंगे आप ऑलवेज ठीक स्टे पॉजिटिव बी मोटिवेटेड वर्क हार्ड बी रेगुलर वीडियो पे कमेंट्स लाइक करना ना भूले शेयर करना ना भूले शाम को नौ बजे रात को नौ बजे